यहाँ पे आप इस टेबल पे देख सकते हो कितने सारे स्मार्टफोन आज हमारे शॉपिंग पे सर्विस सेंटर में आए हुए हैं, जहाँ पे हम इस सर्विस सेंटर में आज इतने स्मार्टफोन्स को यहाँ पे अनलॉक करेंगे, जहाँ पे पहला स्मार्टफोन ओप्पो का है, दूसरा सैमसंग का है, तीसरा मोटोरोला है, उसके बाद शॉमी का, रेडमी का, पोको का स्मार्टफोन है, आफ्टर दैट वीवो का स्मार्टफोन है, और यहाँ पे ये रियलमी का नार्जो स्मार्टफोन है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो सारे कंपनियों के ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं कि ये सभी लॉक नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये भी लॉक है, ये रहा वीवो का स्मार्टफोन और ये भी यहाँ पे लॉक है। यानी कि इस तरह से यहाँ जितने भी ये स्मार्टफोन है, ये सैमसंग का है, ये भी लॉक है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे, यदि आप सही में अपनी फोन को घर बैठे अनलॉक करना चाहते हैं, तो बिना कंप्यूटर, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसे खर्च किए, आप कुछ ही मिनटों में बिना कंप्यूटर के इसे कैसे अनलॉक करेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पे जितने भी आपके डेटा है वो सारा सेफ रहेगा आपके फोन में, और आपका फोन अनलॉक भी हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे स्मार्टफोन हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे मैं सबको यहाँ पे अनलॉक करूंगा, नहीं, यहाँ पे एक ही आपका अनलॉकिंग टूल है जो हम यहाँ पे ऑफलाइन इस्तेमाल करेंगे इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए, जिससे कि ये सारे स्मार्टफोन आपके अनलॉक हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आप कैसे इसे अनलॉक करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक हो जाए आप उसे एक बार पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑफ करना आपको आता होगा, आप देख लो आपका फोन किस तरह से टर्न ऑफ होता है, और यहाँ पे मैं इस स्मार्टफोन को टर्न ऑफ कर दूंगा। देख सकते हैं ये ओप्पो का स्मार्टफोन है, तो यहाँ ऐसा मत समझिए कि ये मेथड सिर्फ इसी फोन में काम करेगा, ये सारे फोन्स में काम करेगा। उसके बाद आपको दोस्तों बिना देर किए अपने फोन को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और जैसे ही यहाँ पे आपका चार्जिंग का जो एनिमेशन है वो आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, उसी के साथ आपको यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन आपको प्रेस एंड होल्ड यहाँ पे कर देना है। यानी कि आपको इसे दबा के रखना है जब तक कि आपके फोन में एक नया पेज ना जाए। आप देख सकते हो यदि नहीं आ रहा होगा आपका वॉल्यूम अप को दबाने से, तो आप यहां पे वॉल्यूम डाउन बटन को यहां पे प्रेस एंड होल्ड कर देना। कभी कभी किसी स्मार्टफोन में वॉल्यूम अप के साथ काम करता है और किसी फोन में वॉल्यूम डाउन के साथ। साथ में आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है, इन दोनों बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यदि सैमसंग का फोन है तो वहां पर आपको तीनों बटन, यानी कि वॉल्यूम अप, डाउन एंड पावर बटन, तीनों को आप प्रेस करके रखेंगे, आपका फोन ऑफ होगा। उसके बाद जब आपका ऑफ हो जाएगा, आपका चार्जिंग एनिमेशन दिखने लगेगा, उसके बाद आप सिंपली अपने फोन में वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके फोन में जो नया वाला पेज है वो चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने मेथड में, आपको अपने फोन में इस तरह से आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात, यदि आपका फोन इसके अलावा कोई भी फोन है तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना, और उसके साथ साथ आपको अपने फोन की बैटरी को सफिशियंट चार्ज रखना है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल देना है, तभी आप यहां पे इस तरह से मेथड अप्लाई करेंगे। उस तरह आप देखोगे आपका जो फोन है वो इस तरह से रीस्टार्ट हो जाएगा, एंड रीस्टार्ट होने के बाद सिंपली आपको यहां पे क्या करना, देख सकते हो अभी भी यहां पे पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि अब आपको जो नेक्स्ट पेज है वो है पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फोन रीस्टार्ट। तो यहां पे आप बिना पासवर्ड डाले आप किसी और होम स्क्रीन पे नहीं जा पाएंगे, तो सिंपली यहां पे आपको दिख रहा है इमरजेंसी कॉल, इस पे आपको चले आना है। एंड यहां पे आने का दोस्तों एक यहां पे आपको डिफॉल्ट कोड आपको यहां पे इस्तेमाल करना है, और वो कोड आप यहां पे देख सकते हो 1033*012790 एंड हैज। इस कोड का नाम है ऑफलाइन एक्टिवेशन कोड, इसे आपको डायल करके इस पे एक बार कॉल करना है, एंड इसे आपको इस कॉल को हटा देना है, इस डायल नंबर को बैक आना है, होम स्क्रीन पे आना है, एंड यहां पे आने के बाद इस फोन को आपको फिर से एक बार टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। मेथड तो बहुत ही इजी है, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख के अपने फोन को अनलॉक कर सकता है, बशर्ते कि फोन उसका अपना होना चाहिए। आपको चार्जिंग केबल को बाहर निकाल देना है, एंड आफ्टर दैट आपको अपने फोन में फिर से आना है, एंड पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दोनों को आपको यहां पे एक बार प्रेस एंड होल्ड करना है, एंड छोड़ना नहीं है जब तक कि आपका नया पेज आपके फोन में ना आ जाए, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड आप होल्ड करके रखेंगे, देख रहे हैं यहां पे आपका जो लोगो है वो बार बार आ रहा है और चला जा रहा है, इसका मतलब कि आपका वॉल्यूम अप के साथ ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आपको यहां पे फिर से लोगो आएगा और यहां पे डार्क होगा, तो यहां पे हम वॉल्यूम अप को छोड़ के वॉल्यूम डाउन को यहां पे हम प्रेस कर देंगे, और देख सकते हैं
मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अप को छोड़ के वॉल्यूम डाउन पे आ गए, मैंने प्रेस किया साथ में पावर बटन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेस किया हुआ था। तो अब आपके फ़ोन में देखते हैं नया पेज आता है कि नहीं आता है, यदि आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। और याद रखिए सीरियसली, आप यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका फ़ोन भी अनलॉक हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में इस तरह का एक ऑप्शन चला आया है, आपको सिंपली अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन हो, एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो है फॉर्मेट डेटा, या फिर लिखा होगा वाइप डेटा, या फिर लिखा होगा क्लियर डेटा आपको, या फिर फॉर्मेट फैक्ट्री डाटा रीसेट, जो भी लिखा होगा आपको उसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड मिल रहा होगा, ठीक है। यदि आपके पास रियलमी ओप्पो वन प्लस का फ़ोन होगा तो आपको इस तरह का वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, यदि आपके पास कोई और फ़ोन होगा जैसे वीवो का तो उसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ओके। एंड यदि आपके पास सैमसंग होगा तो वो यहाँ पे कुछ नहीं मांगेगा, सीधे आपका फ़ोन को फॉर्मेट कर देगा। लेकिन आपको फॉर्मेट आपको सैमसंग को करना नहीं है, जो भी है आपको क्या करना है, यदि आपका पासवर्ड मांग रहा है तो वहाँ पर आप सिर्फ डालोगे 0000, और यदि आपका इस तरह का कोड आ रहा है तो वहाँ पर आप डालोगे सेम इसी कोड को लेकिन उल्टा, यानी कि 6206, ओके 6206, एंड डाल के आप यहाँ पे देख रहे हो, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद ये उल्टा डाल दिया होगा, मैं फिर से डाल देता हूँ 1837, ठीक है, आपको उल्टा मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सीधे इस फ़ोन को हम रिबूट कर देंगे और अब ये फ़ोन आपका यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड याद रखिएगा, यदि आप अपने फ़ोन में आपकी बैटरी कम होगी तो आपका जो फ़ोन है इन सारे प्रोसेस को करने में यदि वो ऑफ हो गया तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो आपको अपने फ़ोन को सफिशियंट 100% चार्ज आपको कर देना है, तभी आप इस मैसेज को अपने फ़ोन में आप अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद जैसे आपका ये फ़ोन होगा ना, मतलब ऑन होगा ना, आप देखोगे आपके फ़ोन में पासवर्ड भी आपसे मांगा नहीं जाएगा और आपका जो फ़ोन है वो आपका अनलॉक भी हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और उसी के साथ जैसे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए, आपको एक नया पासवर्ड अपने फ़ोन में आपको जल्दी से लगा लेना है, और वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर, वरना जो पुराना पासवर्ड है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपके फोन रखिए, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है विदाउट एनी डेटा लॉस, विदाउट एनी कंप्यूटर। एंड इस तरह से आप किसी भी फ़ोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई फ़ोन, यदि आपका कोई फ़ोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है आफ्टर इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो बिना देर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करो और बताओ आपके पास कौन सा कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और आप किस डेट में अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हो। जैसे आप कमेंट करोगे इंस्टेंट आपको आधे से एक घंटे के अंदर आपके मॉडल के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाओगे, वो भी घर बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।